गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग आरबीएससी के अंदर जो राजस्थान बोर्ड है उसके 12th क्लास के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं आपके सामने नितिन प्रजापति, बायोलॉजी फैकल्टी। चलिए बच्चों, तो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे, जो प्रीवियस हमारे सेशन जो हुए हैं, उसके अंदर हमने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फ्लावर के स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में, उन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग आज जो हम करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अंदर एंथर वॉल लेयर्स। क्या होगा बच्चों? एंथर वॉल लेयर्स। तो बच्चों, एंथर वॉल लेयर्स क्या है? देखो बच्चों, जब आप लोग एंथर का टीएस काटेंगे, अब टीएस क्या होता है सुनिए बेटा, ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर को अगर मैं इस तरीके से काटता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या होगा बेटा? ये टीएस यानी ट्रांसवर्स एक्शन। और अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो बेटा इसे हम बोलेंगे एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो बेटा जब हम इसको एंथर को टीएस काटेंगे, एंथर का जब हम टीएस काटेंगे ना बेटा, ठीक है, यानी आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। तो बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस काटने के बाद में एंथर में दिखाई देगा टेट्रागोनल दिखाई देगा। स्टूडेंट, टेट्रागोनल आपके सामने रफ डायग्राम बना रखा है मैंने, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। टेट्रागोनल 1 2 3 4 4 टेट्रागोनल। चलिए, तो बेटा जब एंथर वॉल जो था बेटा टेट्रागोनल दिखाई देगा जब हम इसको टीएस काटेंगे तब, और माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसे देखेंगे तब। बेटा एंथर वॉल लेयर्स टोटल कितनी होती है तो हम बात करेंगे 4। कितनी होती है स्टूडेंट्स? 4। और ये जो 4 लेयर्स हैं बच्चों, वो होगी फर्स्ट आपकी एपिडर्मिस, देन आफ्टर एंडोथीशियम, मिडल लेयर, देन कैपिटल, देन वन बाय वन हम सारी वॉल लेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एपिडर्मिस। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? एपिडर्मिस। चलिए, एपिडर्मिस क्या है एपिडर्मिस? तो बच्चों आप ये डायग्राम देख सकते हैं, सबसे बाहर जो लेयर बना रखी है, सबसे बाहर जो लेयर बना रखी है वाली, ये बेटा इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एपिडर्मिस। बेटा जी ये सिंगल सेल है, मतलब कि ये एक सेल की बनी हुई है। दूसरा, प्रोटेक्टिव इन नेचर है, मतलब प्रोटेक्टिव इन नेचर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? कि सर ये दूसरी वॉल लेयर्स को सुरक्षित करेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करेगी, इसीलिए हम इसको प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं स्टूडेंट्स। एपिडर्मिस को प्रोटेक्टिव लेयर भी कहा जाता है। बच्चों इसके अंदर फाइब्रस थिकनिंग नहीं होती है, परंतु कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा, बेसिकली एक आर्सुथोबियम नाम का प्लांट है, स्मॉल लीफ लाइक पैरासिटिक प्लांट बेटा ये, और इस प्लांट के अंदर बेटा फाइबरस थिकनिंग पाई जाती है, और इसी फाइबरस थिकनिंग की वजह से बेटा इसको हम एपिडर्मिस ना बोलकर एक्जोथीशियम कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स एपिडर्मिस जो होती है वो एंथर वॉल लेयर की सबसे फर्स्ट लेयर बोलेंगे हम उसको। ये आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, क्या होगी? ये आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो बेटा ये आउटर मोस्ट लेयर है आपकी। अगर कोई पूछे आपसे
कि एंथर वॉल लेयर में सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, तो क्या बताएंगे आप लोग, एपिडर्मिस। ओके, तो बेटा एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, और बेटा ये सिंगल सेल, ठीक है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है। और कुछ प्लांट्स के अंदर, वैसे तो इसके अंदर फाइबरस थिकनिंग नहीं होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे आर्सुथिबियम नाम का एक प्लांट होता है बेटा, स्मॉल लीफलेस प्लांट होता है, ये पैरासिटिक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर बेटा फाइबरस थिकनिंग पाई जाती है, वहां पर हम इसको एपिडर्मिस नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं एक्सोथीशियम। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट वॉल लेयर, दैट इज एंडोथीशियम। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड थिक लेयर, इट इज नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, सिंगल सेल थिक लेयर बेटा और एपिडर्मिस के नेक्स्ट है, ठीक है, याद रखना बेटा। अब एंथर के अंदर बेटा क्या होता है कि मैच्योरेशन फेज में जाता है एंथर मैच्योर होता है, तो जब एंथर मैच्योर हो रहा होता है यानी ड्यूरिंग मैच्योरेशन कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस की वजह से बेटा क्या होता है कि इस एंडोथीशियम के ऊपर भी फर्क पड़ता है, अफेक्ट होती है ये लेयर। तो बेटा होगा क्या, जो बेटा इसकी जो सबसे आउटर वॉल जो होती है बेटा, ठीक है, आउटर वॉल जो होती है बेटा वो क्या होती है, थिन रहती है, आउटर वॉल क्या होगी बेटा, थिन रहेगी, लेयर पतली रहेगी, लेकिन जो बेटा इसकी इनर वॉल लेयर है, जो इसकी रेडियल वॉल है बेटा, वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर बेटा क्या होगा कि फाइब्रस थिकनिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फाइब्रस थिकनिंग। और ये फाइब्रस थिकनिंग किसकी होगी बच्चों, अल्फा सेलुलोज फाइबर की, अल्फा सेलुलोज फाइबर की। तो बेटा अल्फा सेलुलोज फाइबर की फाइबर थिकनिंग हो जाएगी किसके अंदर, एंडोथीशियम में। कब, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एंथर, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एंथर देयर इज द फाइबरस थिकनिंग डिपोजिशन अकर, एंड विच फाइबरस, देन यू कैन से अल्फा सेलुलोज फाइबर। ओके नाउ अब यहां पर कैलोज बैंड भी होंगे बेटा, किस पे, रेडियल वॉल में क्या होंगे बेटा, कैलोज बैंड के बेटा, कैलोज बैंड को भी डीजनरेट करेगा बेटा कौन, कैलोज एंजाइम, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें माइक्रोस्कोप टेट्राहेड में। चलिए तो बच्चों यहां पर क्या होगा कि कैलोज बैंड भी होगा बेटा, ध्यान रखना, कुछ जगहों पर एंथर वॉल लेयर के स्ट्रक्चर में कुछ जगहों पर बेटा क्या होगा, कुछ प्लेसेस में एंथर वॉल लेयर की कुछ प्लेसेस के अंदर क्या होता है बच्चों के, वहां पर अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलोज बैंड नहीं होते, और इसी वजह से बेटा क्या होगा कि यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमियम, क्या बोलेंगे बेटा इसको, हम स्ट्रोमियम। और बच्चों ध्यान रखना एंथर का जो डीआई सेंस है, एंथर का जो डीआई सेंस है, ठीक है, वो भी इसी स्ट्रोमियम से होगा, ठीक है। और याद रखना एंडोथीशियम बेटा क्या होगी, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी पानी को एब्जॉर्ब करती बेटा, हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो बेटा क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है, इस एंडोथीशियम में। तो बेटा याद रखना टेंशन क्रिएट होगा तो बेटा क्या करेगा यहाँ पर, कि ये जो होगा इस रीजन से वो एंथर फट जाएगा, और एंथर फटने की वजह से माइक्रोस्पोर्स होंगे बाहर आ जाएंगे, खैर वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए तो बड़ा सिंगल सेल थिक लेयर है, ये एपिडर्मिस के नेक्स्ट है, फाइबर्स थिकनिंग है, और इसमें कैलोज बैंड भी पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान रखना, अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वॉल लेयर की। नेक्स्ट वॉल लेयर बेटा हमारे पास में होगी मिडल लेयर। बड़ा याद रखना मिडल लेयर जो होती है वो वन टू थ्री सेल लेयर है बेटा। क्या है, 1 2 3 सेल बेटा, ये एफीमरल है, क्या बेटा,
एफिमरल, व्हाट डू मीन बाय सर एफिमरल, एफिमरल क्या होता है सर, तो हम क्या बात करेंगे बच्चों, शॉर्ट लेग, शॉर्ट लेग। एफिमरल के साथ साथ तो बच्चों ध्यान रखना ये पैराकाइमेटस होती है, क्या होती है बच्चों, पैराकाइमेटस। अब बच्चों पैराकाइमेटस होती क्या है कि सर वो सेल्स या वो लेयर जो कि पैराकाइमा की बनी होती है उसे पैराकाइमेटस कहते हैं। अब बेटा पैराकाइमेटस की बनी है तो मतलब याद रखना फूड स्टोर करेगी। सर फूड स्टोर क्यों कर रही है, टाइम टाइम में तो फूड देना है, कौन देगा, मिडल लेयर देगी। क्यों देगी, क्योंकि पैराकाइमेटस नेचर की 1-2-3 सेल है, एफिमरल है, शॉर्ट लिव्ड है, कुछ टाइम में मर जाएगी, बीज रेड हो जाएगी। चलिए तो बच्चों ये एपिडर्मिस, ठीक है, यंत्र बोलने का हमने यंत्र का डायग्राम बनाया रफली, ठीक है बच्चों, फिगर वॉल लेयर्स, यंत्र वॉल लेयर्स का फिगर बटन डायग्राम है ये। तो बच्चों यहां पर जो होगा ना इसे एपिडर्मिस बोलेंगे, इसकी जो नेक्स्ट है बेटा वो क्या है, एंडोथीशियम फाइबर्स दिख रही है आपको, ये जो लेयर होगी 1-2-3 सेल लेयर, तो ये बड़ा मिडल लेयर होती है, क्या होती है बच्चों, मिडल लेयर। ये जो बड़ा ये दिख रहे हैं आपको इस तरीके से सेल्स, ये बड़ा टैपिटम से टैपिटम बताऊंगा मैं आपको बाद में। यहां पर जो बड़ा आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा वो आपका है स्पोरोजिनस सेल या टिश्यू बोल दो आप इसको, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल दो, सेल बोल दो, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत। अब ना अब बात करते हैं बच्चों हम टैपिटम की। टैपिटम क्या है बच्चों ध्यान रखना, टैपिटम जो है वो न्यूट्रिटिव लेयर है, क्या है, न्यूट्रिटिव लेयर, टैपिटम न्यूट्रिटिव लेयर है। अब इस न्यूट्रिटिव लेयर का मतलब क्या होगा, यानी ये न्यूट्रिशन देती है, किसको देती है न्यूट्रिशन, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को, किसको देती है बच्चों, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को। तो जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा है उसे हम डेवलपिंग माइक्रोस्पोर बोल देंगे, और उसको न्यूट्रिशन कौन देगा बच्चों, उसको न्यूट्रिशन देगा कौन, टैपिटम। पोलन सैक को चारों ओर से कौन घेरता है, टैपिटम, ये टैपिटल सेल्स, भाई टैपिटम बोल दो, टैपिटल सेल्स बोल दो, ठीक है बेटा। ये क्या करता है, ये फूड को एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, मिडल लेयर से, ठीक है। तो बेटा मिडल लेयर क्या हो गई, डीजनरेट, मिडल लेयर क्या हो गई, डीजनरेट, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बच्चों ध्यान रखना इनिशियल स्टेज के अंदर, मतलब शुरुआत के अंदर क्या होता है बच्चों कि टैपिटम जो होती है वो होती है आपकी डिप्लॉयड, क्या होती है बच्चों, डिप्लॉयड। लेकिन बेटा ये बन जाती है मल्टी न्यूक्लिएट और पॉलीप्लॉयड, क्यों, फ्री एंडो न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से। आई बात समझ में, कोई दिक्कत आपको। अब टैपिडम के भी बेटा दो टाइप होते हैं, फर्स्ट अमीबॉइड, पेरिप्लास्मोडियल, इन्वेजिव, दूसरा टाइप क्या होता है बेटा, सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर, जो हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले सेशंस में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।